पंजाब से हो रही है, तो आज हमारा रोड ट्रिप डे है। मतलब प्लान कुछ ऐसा है कि भाई देखो, जब हम ट्रिप करके आए ना, हमारे पास दो टैची है भर के, सर्दियों के कपड़े पड़े हैं, गर्मियों के कपड़े के नाम पे यही एक चीज है। तो बड़े भाई शॉपिंग में निकलेगा, उसके बाद हम आज रोड ट्रिप पे निकलेंगे। अगर नए स्टैंड पे माय नेम इज करण सहगल एंड भाई 2 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दो, बोल दो लोगों को सब्सक्राइब करने, प्लीज सब्सक्राइब टू माय फ्रेंड्स चैनल करण सहगल। तो भाई फाइनली कहते हैं ना, वो निकलना बहुत बड़ी बात होती, तो वही हो गया क्योंकि 2:30 बज रहे हैं। अब जाके हम फाइनली निकल गए हैं, है ना। हम निकल रहे हैं जलंधर के लिए, फिलहाल अभी जलंधर नहीं जा रहे। तो अभी हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? शॉपिंग करने। क्योंकि भाई मैं 2 सूटकेस भरे हुए सर्दियों के कपड़े लाया हूं। मेरे पास गर्मियों के कपड़ों के नाम पे एक ये टी शर्ट थी और ये शॉर्ट्स, जिसपे मैं कल खाना गिरा चुका हूँ। बिकॉज देखो भाई, बटर चिकन खाता है तो भाई दिल से लगा के खाता है। मुझे भी तो शॉपिंग करा लेंगे। टेडी बेयर लेके दी थी आज, हम ही जाएंगे भाई। इतने दिनों से मुझे टेडी बेयर करनी थी ना, तो मैंने सोचा आज इसको लेके दे दूंगा टेडी बेयर। क्या है ये चाकू? आराम से कट जाए आराम से। ऐसे हाथ चाकू नहीं लेते, लड़ाई हो जाएगी, वैसे कम होती है। भाई ये चाकू हमारे प्रिय सब्सक्राइबर ने दिया था, तो इस पे केएसआर में लिखा हुआ, जिन लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा। प्रिय दिल से प्रिय, करण बंद करो। हाँ बंद करो भाई, काट थोड़ जाओ, केस कट दो। ज्यादा बोलेगी तो अपने पेट में छू भाई, छू तेज एक गंदे जो गंदी शक्ल गंदी। तो भाई इतना बड़ा मॉल बना दिया, H&M बाहर ही निकाला है, बताओ ये तो इज्जत हुई H&M की है। हम पूरा अंदर मॉल घूम लिया, हमने कहा H&M का क्या, सर बाहर है क्या मतलब? अंदर से भी एंट्री नहीं है भाई, अंदर से एंट्री वगैरह, बाहर से जाना है आपको। मुझे सारे कपड़े दे देना, सारे कलर्स। भाई इस लड़कियों के साथ शॉपिंग पे नहीं आता, लड़कियों की आपको शॉपिंग में लेके नहीं आती। मेरी शॉपिंग कराने आया, तो अपनी शॉपिंग क्या करने लगती है? चल ऐसे कपड़े नहीं पहनते, सेक्शन में चलते हैं। तेरे कपड़े उसी साइज के वहीं पे मिले। फुकरे आ गए पंजाब में, जो अंदर अंधेरे में भी चश्मा डाल के, अंधेरा ही है ये, वही होते वो नहीं थे निब्बा निब्बी जिनके 10,000 फॉलोअर रहते, कहते हम सेलिब्रिटी बन गए सेलिब्रिटी। अभी मैं इसके अंदर घुसने वाला हूं। मुहिम चलानी चाहिए, कोई भी स्टोर लड़कों के कपड़ों को देते हैं एक ही फ्लोर, की लड़कियों के कपड़ों को देंगे 2 फ्लोर, क्योंकि लड़कियों के इतने टाइप के डिजाइन होते हैं। लगती गंदी है सारी, लड़के हर चीज में स्मार्ट लगते हैं, चाहे 2 ही कलर पहने। आप तो कभी नहीं लगे। लग रहा भाई बैंगन में भी भाई अच्छा लग रहा भाई, बस एक ही टी शर्ट है मैं 2 दिन से चला। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, मुझे ये बैंगनी बोल के एक और बैंगनी खरीद लिए, बताओ पर अच्छी लग रही है, कितने की? अबे बताना, तुम अमीर हो हम गरीब है भाई, हम पैसे रेट कार्ड देखना पड़ता है। ये क्या पर्पल ऑरेंज पहनाई, पागल है, ये नहीं पहन रहा, कुछ भी चलेगा। मैं घर जा रहा हूँ भाई, ये पागल है, टॉर्चर कर रही है मुझे यहाँ पे भाई। शॉपिंग के नाम पे ना भाई को रेनबो बना दिया, पिंक ऑरेंज ग्रे पर्पल, ये कौन सा कलर है? तो भाई हमें फुल पिंक के मुंह के वाले बना दिया गया है, पता नहीं ये थोड़ा सा टाइट लग रही है, स्मॉल साइज है भाई, ओवर एम्बिशियस नहीं होते, मीडियम तक ठीक है, स्मॉल में घुसने की कोशिश करो तो पेट। तो भाई एक चीज तो हो गई जो थी हमारी शॉपिंग, अब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक सेकंड, मुझे कुछ लेके नहीं दिया भाई, तूने कुछ बोला कि तुझे कुछ चाहिए, तू तब से बोल रहा है जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी भाई, अब निकलना है जलंधर जाना है, कलविंदर इंतजार कर रहा है। थैंक यू, तो फिर उठा इसको, चलो गाइस बाय। गुड़गांव से दूर भी बर्गर किंग, अपना खाना आ चुका है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, ऐसा हुआ कि मैं टी शर्ट चेंज करने में नीचे ऑर्डर लेने गया, तो मुझे कहते सर आप, सर अभी तो ऑर्डर दिया, मैंने कहा अभी तो ऑर्डर दिया, कहते नहीं सर आप तो दिया ही नहीं, फिर मैंने कहा भैया मैं टी शर्ट चेंज कर रही है, स्पेशली ऊपर आके बिल लिया, कार्ड क्या कर रही है तू, मैं कुछ और बोलो तो अपने लगी हुई खाले मोटे सादा तेरा ही है भाई। लॉन्ग ट्रिप के लिए निकलना है तो उससे पहले पूरी तैयारी कर लेते हैं, ठीक जगह पे तो डालो काम, बाकी सब गिराई जा रही है। करण सहगल्स आउटफिट ऑफ द डे, नए कपड़े खरीद के भी काम पुराने वाले ही करने पड़ते हैं। बढ़िया लुकिंग है, क्यूट एंड पिंक टी शर्ट से थोड़े साफ करते करण यार, गाड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, कपड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट होती। रुक जा यार भाई, ये इतना स्टूपिड बंदा है, अपनी टी शर्ट से कौन गाड़ी साफ करता है करण? रोड ट्रिप के लिए हम फाइनली निकल चुके हैं, आधे घंटे का रोड ट्रिप है, बड़ी इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी भी हमारी सेट हो गई है, आगे से बाइक आ रही है, भैया रॉन्ग साइड आ रहे हैं, चलो चल के मिल लेते हैं पापा की परी को। ओह माय गॉड डूड आ गए, डूड हाय, जाने तो हम 12 लोग थे, देख हम मुझे चार ही रहे टोटल, करंट ब्लॉग में कहना जाओ चलो चल के मिलते पापा की परी को, हाय पापा की परी। यार एक बात बता, हमने तो 12 लोगों ने जाना था, 4 लोग ही जा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ हो रहा है, सब लोग इधर उधर से आ रहे हैं। ये क्या रख लिया, मम्मी ने भेजा ये? मैंने कुछ खाया नहीं था, तुम खा
खाना चाहो। अभी शादी शुदा घर से आए, तो फिर से खा रहा है। अभी इतना खाना खाया, ये भी दे दे खा लेगा सब। हाँ हाँ, बस कर, इतना भी नहीं खाना। नहीं बस गपशप हम आपस में करेंगे। चलो तो भाई, अभी धृति ने भी नई XUV 700 ली है, तो मैं इसको नई फीचर दिखा रहा हूँ। बड़ा क्रेजी फीचर है, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? हाईवे पे टेस्ट करो। तो भाई इसका अपनी गाड़ी चलानी वैसे भी नहीं आती। तो भाई इसमें ना मैं इसकी लेंस असिस्ट ऑन कर रहा हूँ। देख अगली वाली गाड़ी जा रही है, ठीक है? मैंने अगली वाली गाड़ी के हिसाब से स्पीड सेट कर दिया 90, ठीक है? वे देख अपने आप चलती रहेगी। देख टेढ़ी जा रही है, वो देख वो बाहर जा रही है, बाहर वो देख अपने स्टीयरिंग मोड़ा, अपना स्टीयरिंग मोड़ा। मेरे दोनों पैर भी हवा में चौकड़ी मार लिए। देख अरे अपने आप मुड़ेगी स्टीयरिंग, देख तो ले। मुझे नहीं आती, देख अपने, ये देख, ये देख बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, देख देख तो सही। ये देखिए अभी फिर से बाहर जा रही, अपना अंदर हो गई। अरे देख तो मुझे किसने बाहर जा रही, अंदर जा रही वापस। अब गाड़ी अगली धीरे हो गई, ये भी धीरे हो गई है। ठीक है ठीक है, अब गाड़ी चला लो, देख लिया फीचर। अब घर में अपनी गाड़ी में ट्राई करियो, ठीक है? ठीक है, चलाऊंगी। चलो गली में नहीं चलेगा, ये रोड पे चलेगा ऐसे। तो मैडम जल्द दुबई में टेस्ट देगा, टेस्ला इंडिया वाली टेस्ला कम है किससे, ये देख। ये बंदी जानी दुश्मन है मेरी एक नंबर की, इसने मेरी एक वीडियो बनाई है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे डाली इसने वीडियो, तो भाई इसने मेरी ये वीडियो डाली। यार ऐसी कौन गंदी गंदी वीडियो डाली आप कर रहे हो भाई, ट्वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे लोगों की कमेंट आ रहे हैं अच्छी है, क्या सामी बहुत जब बेइज्जती करती है ना आपके, मुझको बहुत अच्छा लगता है भाई। ये बहाना मारेंगे, कमर में दर्द हो गया इसलिए व्लॉग लेट हो गए। सही बात है, तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। और नहीं पड़ता। तो अभी हम मैकडॉनल्ड्स में रुके हैं, वो लोगों को भूख लग रही थी। एंड अभी मैं सोच रहा हूँ धृति को अपना पुराना घर दिखाऊं, बिकॉज मैंने काफी टाइम से ब्लॉग पे दिखाया, या मैंने आज तक ब्लॉग पे दिखाया नहीं, मेरे जलंधर वाला घर, बिकॉज वो मेरे दिल के बहुत करीब है। कैंट की इन सड़कों पे घूम के जो सुकून मिलता है ना, कसम से बता रहा हूँ। यहाँ पे ना एक क्लब है VOI, तो मैं एक कार्य बता दूं, मेरे बोर्ड के पेपर चले थे और वो बोर्ड का पेपर मैं देने नहीं गया था, क्योंकि मैंने 7 सब्जेक्ट ले लिए थे, तो मुझे लगा यार एक सब्जेक्ट तो मिस कर ही देता हूँ, तो अलग बात है मैं पेपर देने गया था। तो मैं यहाँ पे खेलने आ गया क्लब में, उसके बाद क्या हो रहा, शाम को मम्मी कह रही 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, ये पेपर नहीं, इसका अगले दिन ये घूम रहा है। अभी बैडमिंटन खेलने आया था भाई, मम्मी पैदल, बिकॉज पापा तब तक गुड़गांव चले गए थे, मम्मी पैदल आई यहाँ तक, जो डांट मारी, इतना सुनाया वहां पे 10 लोगों के सामने, क्या बच्चे क्या बड़े, कहते चल वापस। तो मैं तो बाइक पे था, मैं तो थैंक यू बोलने जाती हूँ आंटी को, उन्होंने जो आपको डांट डांट के सीधा सक्षम कल से बोल रहा है, उसको धर्मशाला ले जाओ, कसौली ले जाओ, पहाड़ों पे ले जाओ, करण उसको कहा लेके जलंधर के कैंट। तो भाई कल से प्लान बन रहा था, वो कहता है चल यार तू आया है वापस धर्मशाला कहीं घूमने चलते, मैं भाई मैं वापस पहाड़ों में नहीं जा रहा, कोई ऐसी प्रिविलेज नहीं मिलती, हर किसी को एंट्री नहीं मिलती जलंधर कैंट के अंदर, मुझे मिल जाती है। हाँ बट आप अपनी गाड़ी में बॉम्ब लेके घूम रहे हो, आपको एंट्री कैसे दे दी उन्होंने? कौन सा बॉम्ब? तो अपनी अरे यार लड़की क्या समझती है अपने आप को यार। भाई ये रहा मेरा घर, आगे बहुत ही सेक्सी सा लॉन होता, तो वहाँ पे बाथरूम का दरवाजा जो आप लोग को दिख रहा है ना, वो एकदम कमरे के ना एडजॉइनिंग होता, तो मैं रात को क्या करता था, रात को जब पापा वगैरह सो रहे नहीं रात को जब पापा सो रहे थे, तो मैं बाहर निकल जाता था रात को घूमने आते थे। एक बार ऐसा हुआ, पापा को भनक लग गई भाई, हम लोग कहीं दूर बैठे हुए थे, एकदम ना पीछे से कोई आया, अब मैंने देखा घूम के पापा, उसकी भी अलग मार पड़ी थी। वो कहानी में वापस जाके कर्नल साहब के हाथ मुंह से सुनवाऊंगा। तो भाई प्लान ना इन लोगों का कुछ ऐसा बनता है, स्पेशली पंजाब में, कि हम 5 बजे पहुंच गए थे जाना के शहर वाले, जाना तो मुझे भी नहीं पता। तो भाई अभी आप लोगों को प्लान बताता हूँ, प्लान ये था कि मैं 5:30 बजे निकलना था, निकलते निकलते 7:30 हो गए, बिकॉज इन लड़कियों तैयार होने में इतना टाइम लगता है। हैं ऐसा मेकअप कर लिया, हाँ इतना मेकअप थोप लिया है, सही बात है भाई। बट देन ये आ गए शेखो ग्रैंड भाई, हम स्कूल में ना बड़ा जाते थे यहाँ पे, मिलता था करेक्ट। तो भाई जलंधर आए, गेड़ी रूट ना जाए ऐसा हो नहीं सकता, तो मॉल टाउन जाएंगे, तो घूमेंगे एंड देन इवेंचुअली निकलेंगे, बिकॉज अभी बहुत लोग आ रहे हैं। पहले ये था कोई नहीं आ रहा था, सब कह रहे हैं हम आ रहे सबको ना वो हो रहा है कि हम कैसे मिस आउट करते। सबसे पहले मयंक बंदा, हाँ अमृतसर से भी लोग आ रहे, लुधियाना से भी आ रहे, बताओ। पहले बोलते हम कौन जाएगा जलंधर, अब सब जलंधर। तो भाई ये आ चुका है जलंधर का गेड़ी रूट, कैसा लग रहा है मेरे जलंधर का गेड़ी रूट देख? किसी को नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, अभी सबको भूख लग रही है और मुझे कॉफी चाहिए। तुम्हें 24 घंटे भूखी लगती रहती है क्या? खुद ने अपना पेट इतना भर लिया कि फटने को आ रहा है मेरा हाथी। भाई अभी यहाँ पे ना इसकी गाड़ी में ये पड़ा हुआ था गार्लिक रसी, मैंने और खा लिया 2-3, अपना पेट तो भर गया भाई, जो चीज दिखती है ना खा लिया करो। ओ भाई दो लोग लुधियाना से आ चुके हैं, हांजी वेयर इज हांजी, तुम फिर से आ गए, खुश क्यों हो रही है इतनी? कह रही पापा की परी हर जगह आ जाती है।
माय गॉड द लेडीज मैन देखो दो टाइप के लोग होते हैं यहाँ पे, सब ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये मैडम कॉफी पी रही है। अमृतसर से भी तीसरी गैंग आ गई है। हाय मिली, लोग आपका इंतजार कर रहे थे। इंतजार में तुम डूब जाओगे। आपकी पाकिस्तानी एक्सेंट का इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली स्विच ऑन द डिफरेंट एक्सेंट टुडे। आज कौन सी है? इट्स द अमेरिकन। पर लोगों को देसी पसंद है। सेकंड आई जस्ट स्विच ऑन द देसी। इट विल टेक 5 मिनट्स। मैं करती हूं, रुक जा यार, अभी आई कीप डूइंग दैट। अरे अंदर लाइट नहीं है, जल्दी। वो कह रहे तो मिल गया यार। फोन नहीं मिला किसी से। हाय दोस्तों, नमस्ते। करण भाई के चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीति के दोस्त मिल गए। मुझे बहुत याद आ रही थी कि हां सामने वाले दे चाहे वो जानिया पौड़ियां मिल रही असी सहर भर के उठियां ते जद बण चो जाते भाई। ये बंदे गाने लिटरली सुन के आने पड़ गए। ये वाला गाना मुझे बचपन से याद है। भाई ये व्लॉग हम अगले दिन कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी मैडम, कैसा था आपका कल का कॉन्सर्ट? बहुत बढ़िया। अब अपना हाल बताओ। मुझे लगा बहुत घटिया। कैसा था? एवरीथिंग इज वेरी नाइस। बता ना यार। क्या मुझे बहुत मजा आया। मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो भाई इसकी पाकिस्तानी पार्टनर दूसरी गाड़ी में बैठी हुई थी, अभी हम सारे जा रहे हैं हवेली। एंड कल भाई तलविंदर ना, मतलब ऐसी वाइब थी जैसे एपी डिलो नया नया आया था ना, वैसी वाइब लग रही थी। मुझे इसके सारे गाने आ गए अब। हैं भाई, किसी को कोई गाने नहीं आते थे कल। सारे ना वेट कर रहे थे कि तलविंदर की वाइब अच्छी थी। उसके बाद ना सब डीजे आ गए ना, तो सब अपने देसी गाने शुरू हो गए पंजाबी है। नहीं, मुझे तलविंदर को सुन के बहुत मजा आया। चार गानों के नाम बस मेरा मन करता, लेकिन वो गल्ला चार ही गाते रहे। एक ही गाना आता तो भाई इनने तीन चार बार लोगों ने बोल दिया गा दो कुछ धुंधला। हाँ, और दूसरा ये धुंधला बस। तो भाई हम पहुंच चुके हवेली है ना, अभी यहाँ पे ना हर एक चीज एक एक मंगा लो, बिकॉज भाई सब चीज बहुत है। सब कुछ ऑर्डर कर दो। पापा की परी क्या खाएगी? सबसे पहले मैं गोलगप्पे खाऊंगी। फिर पापा जी बहुत तीखा पानी। हाँ, एकदम खट्टा वाला। फिर पानी पूरी तो हो गया ना। इतना लंबा ब्लॉग थोड़ी खाने में थोड़ी बनाना है। और मैंने बटर खाना है यहाँ का, खुद चौन जो होता है ना ऐसे ऐसे करके वो तो खाती है। आई ना ये पीना होता है, शुरू में ही रखा हुआ है इसलिए। ये माउथ वॉश पापा की वेरी डम है। ए पापा की वेरी बहुत डम है। आपको 400 पूरे हवेली में जाके पूछ सकती हूं। मिली चार सवाल पूछ ले। 40 क्वेश्चन थे आई ना, अगर पूछ ले 40 नहीं चार ही काफी। तू चार सवाल पूछ। चुप रहो तुम भाई, ऐसे तो पानी का एलिमेंट्स क्या? तुम लोग ब्लॉग बना सकते हो पानी के एलिमेंट्स बता दे। हिंदी में पूछ पहली बार पानी के। ये तो बता सकती है। तत्व 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 कितने तत्व है पानी के? 5। तुषी कपिला की वीडियो नहीं है, वो अपने रिंग दिखाती रहती है। कल भी मानी में खड़े होकर कहते पता नहीं क्या बोल रही थी। नहीं हम बात कर रहे थे। अब आगे खा रही हूँ ऐसी करती। नाक में भी उंगली ऐसी जो रिंग वाली उंगली, तो गाइस रिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ओह नहला दिया यार ये भगवान की उंगली। मुझे गहना गाली देगी कि तुम हवेली आके ऐसी चीजें कर। तुम्हारी लड़ाइयाँ नहीं खत्म होती। तो भाई गोलगप्पे खत्म हो चुके हैं, अगली चीज आ गई है छोले भटूरे, खाइए। यार ये तो खाना बहुत कम लग रहा है मुझे। क्या बोली? कम लग रहा है खाना। अभी हमने छोले भटूरे खाए, दो पानी पूरी खाई है और एक पाव और 2-3 मिनट से बोल रही है कि शादी के बाद ना खुद ही वेट गेन हो जाती है। भाई वो लोग नहीं होते जो अपनी दुनिया में बिजी है। खाना पीना सारा हो चुका है ना, अभी यहाँ पे ये लोग कंफ्यूज्ड है। ओए होए घर में आए हो कुत्ती। तो भाई अभी ये लोग कंफ्यूज्ड है, इनको वहाँ गेम खेलनी है नहीं खेलनी? खेलनी है डैशिंग कार्ड्स। भाई सारे निकल रहे हैं यहाँ से। अरे इकट्ठे निकलेंगे तो फिर तुम दोनों बैठ रहे हो, हम सारे जा रहे हैं। यही दोनों रह गए, हम बाकी सारे निकल रहे हैं। एक गाड़ी जाएगी लुधियाना, ये भी गाड़ी जाएगी लुधियाना जाएगी, है ना? पापा को बोले लेके दे दे। पापा नहीं सच में सेक्शन ले दो, मैं खुद ले। भाई निकलेगा यहाँ से सीधा दिल्ली नॉनस्टॉप। ये बस यहीं पड़े रहेंगे रात तक, मुझे लग रहा है। घर नहीं जाना? तुमने जाना है अभी? कहाँ पे? अभी हम संवाद कर रहे हैं। सना नहीं रहे सन, अपनी बातें करी जा रहे हैं। अब मेरे से रील बनाओगे? कौन सी? मामा नीडो जी दिल जी वायरल है। वायरल? हाँ, चलो मेरे से कुछ भी कर लो वायरल हो जाता है।
हमने अभी अभी एक वायरल रील शूट करी, आप लोग देख लेना इंस्टाग्राम पे। बंदेन सबको बाय करेंगे, बाय ब्रो। नकली नकली लोग कुछ ऐड हो रही है, तुसी सैड हो रहे हो, अब बहुत खुश हो रहे हैं, तुसी जाओ। चल भाई, चल भाई। तो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं, मतलब निकले हुए आधा एक घंटा हो गया। तो यहाँ से मेरा घर अभी दिखा रहा है 389 किलोमीटर, 1 घंटे 40 मिनट, मतलब रात को 11:30-12 बजे से पहले नहीं पहुंचूंगा। जो बेस्ट पार्ट ये है कि पापा का बर्थडे है, मैंने सोचा था कि मैं 15 को पहुंच जाऊंगा, बट ये कॉन्सर्ट के चक्कर में ना, और वैसे भी यार अब बड़े दिन हो गए तो घर की याद आ गई। कर्नल साहब का बुलावा भी आया हुआ है कि तू बेटा जल्दी आ, बहुत बातें हैं करने को। बदन ये है कर्नल साहब के लिए, हम कल कोई बढ़िया सा गिफ्ट लेने जाएंगे। अगर उनका बर्थडे भी हो ना भाई, वो ऑफिस तो जरूर जाएंगे, तो भाई सुबह सुबह निकलेगा, उनके लिए बढ़िया सा गिफ्ट लेके आएगा, इन कल पार्टी होगी। तो भाई अभी बज रहे हैं 10:52 एंड हम लोग गुड़गांव पहुंच चुके हैं, मतलब भाई अकेला पहुंच चुका है। एंड मैं सोचा यहाँ पे व्लॉग एंड करने को, बिकॉज अभी क्या सीन है, पापा का बर्थडे है, तो भाई अगर 2 हफ्ते गायब रहे कुछ तो करना पड़ेगा कर्नल साहब के लिए। तो हम सोच रहे क्या करें, बदन करेंगे ये वाला व्लॉग एंड अगले व्लॉग में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो आप लोगों को पता चले नेक्स्ट व्लॉग इज लाइव एज इज नेक्स्ट व्लॉग। और भाई शंकर महादेवन ओपी वाला सही है भाई, जब भी स्पीड अच्छी लगे ना भाई की एंड करने की, शंकर महादेवन ओपी लिख देना एज इज नेक्स्ट व्लॉग।